नारियल पानी मांगता है, खाने में छप्पन भोग, विभव जेल में करता है भारी भरकम डिमांड। 800 रुपए लीटर वाला पानी मांगता है, खाने में मिठाई भी लूंगा, पूरा भौकाल करता है मेंटेन। अंडा सेल में शिफ्ट करने की तैयारी, विभव कुमार कोर्ट में जोड़ने लगा हाथ। 10 मिनट की सुनवाई, दिल्ली पुलिस के पक्ष में जज साहब का फैसला। क्या लंबे वक्त तक जेल में जाएगा विभव कुमार? केजरीवाल के पास नहीं है वकीलों को फंड देने का पैसा, क्या फंस गया है बेचारा विभव? विभव कुमार को क्या दिल्ली पुलिस अंडा सेल में रखने की तैयारी कर रही है? क्या विभव कुमार के साथ एक आम अपराधी वाला व्यवहार दिल्ली पुलिस करने वाली है? आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन जज तो कुछ बोले ही नहीं, फिर कैसे दिल्ली पुलिस के पक्ष में कुछ मिनटों में ही फैसला आ गया? दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये हिरासत 28 मई तक बढ़ाई गई है। 30,000 कोर्ट में आज भयंकर ड्रामा हुआ। दिल्ली पुलिस अपनी रिमांड की मांग कर रही थी, लेकिन विभव कुमार को खाने पीने की दिक्कत हो रही, इसीलिए वो जज साहब से मैंगो और बनाना शेक की मांग करता है, वो सैंडविच खाना चाहता है। विभव चाहते हैं कि उन्हें न्यायिक रिमांड में पुलिस भरपेट खाना खिलाए, उनका स्वागत करे, उन्हें दामाद बनाए, पकवान खिलाए और छप्पन भोग भी खिलाए। 13 मई की घटना है, 19 मई को विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ दिनों में ही विभव की तबीयत भी खराब होने लगती है। लेकिन कोर्ट में जो हुआ वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस के साथ SIT की टीम मामले की जांच कर रही है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया, साहब हमें रिमांड चाहिए, अभी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया, कुमार हर तरफ से सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर जमानत मिलती है तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। बाहर निकल विभव कुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन विभव कुमार को केस की चिंता नहीं थी, उसे खाने पीने की चिंता सता रही है। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार को खाने पीने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शीश महल में खाने पीने का भारी भरकम इंतजाम था, लेकिन जेल में नहीं हो पा रहा है। विभव कुमार जज साहब से कहता है, सर मेरे खाने पीने का इंतजाम करवाइए, भरपेट खाना नहीं मिलता, सर मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, मेरे खाने पीने का सही इंतजाम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस गिन के रोटी देती है। ये कहते ही जज साहब ने कह दिया, इनको 4 दिनों की रिमांड पर भेजा जाता है। अभी ये खाने पीने की बात सही नहीं है। केजरीवाल को लेकर 2 बातें चल रही, पहला ये कि वो टीवी पे बैठ के धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरा ये कि उनके पीए की जिंदगी चौपट होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल के पास तो वकीलों को फीस देने के लिए भी फंड नहीं बचा है। अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ पहले ही दे चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अब केजरीवाल का फंड नहीं बचा है, और ये भी दावा है कि विभव कुमार पानी से लेकर खाने पीने की चीजों में बहुत शौकीन है, और इसीलिए वो जज साहब के सामने इस पर ही बात करना चाहते थे।